हेलो फ्रेंड्स, माय यूट्यूब चैनल इसका क्राफ्ट में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं सर। हम आपको सर की कटिंग एंड स्टिचिंग बताएंगे। ये हम जीन्स या टॉप के ऊपर पहन सकते हैं या प्लाजो ब्लाउज के ऊपर पहन सकते हैं। ये इस समय लेटेस्ट फैशन है। इसको कटिंग करने के लिए हमने 3 मीटर कपड़ा लिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इसकी कटिंग करने के लिए हम इस तरह से इस कपड़े को इस तरह से उल्टा फोल्ड करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये देखो उल्टा फोल्ड कर लिया है। अब हम इसकी लेंथ नापेंगे। लेंथ नापने के लिए जैसा कि हमें इसकी लेंथ रखनी है 40 इंच। इस तरह से हम 40 इंच पर एक टिक लगाएंगे और नीचे फोल्ड करने के लिए हम 1.5 इंच पर एक और टिक लगाएंगे। इस तरह से 1 इंच हमारा नीचे को फोल्ड हो जाएगा और 1/2 इंच ऊपर मार्जिन में चला जाएगा। इस तरह से हमारा यहाँ पर हो गया है 47.5 इंच। हम इस तरह से इसे और इस तरह से इस साइड को भी हम टिक लगा लेंगे 40 इंच पर और 47.5 इंच पर, और इन टिकों को हम इसे मिला देंगे। जैसा कि हमने नीचे की साइड को दोनों लाइन खींच ली है, अब नीचे वाली लाइन को हम कट कर देंगे क्योंकि हमारे इस कपड़े की लेंथ ज़्यादा है, तो हम इसे कट करके फिर इस पर टिक लगाएंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये कट कर लिया है, अब हम यहाँ पर नेक और हारमोल्स के टिक लगाएंगे। नेक के टिक लगाने के लिए यहाँ पर हम 4 इंच पर टिक लगाएंगे इस तरह से, और यहाँ पर जो हारमोल्स छोड़ेंगे उसे भी हम 4 इंच पर ही लगाएंगे, और लंबाई इसकी हम इधर लेंगे 6 इंच। इस तरह से 6 इंच हम इसकी लंबाई लेंगे और इधर बॉक्स बना देंगे। इस तरह से बॉक्स बना देंगे और नेक कट करने के लिए हम इस तरह से 3.5 इंच पर टिक लगाएंगे। इसकी लंबाई हमने जो है 3.5 इंच ली है, और जैसा कि इसकी चौड़ाई हमने बताई थी 4 इंच, तो इस तरह से इसका भी हम बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद हमारे यहाँ पर फिटिंग है 9.5 इंच, तो हम 9.5 इंच पर इस तरह से टिक लगाएंगे। और जो हमने यहाँ पर जो ये एक डिब्बे टाइप का बनाया है, इसी से हम इस तरह से नापते हुए ले जाएंगे। जो हमारी कमर का टिक है वो हमें 7.5 इंच पर एक पॉइंट इस तरह से रखना है। हम यहाँ पर कमर का टिक लगाएंगे, और जो हमारा हिप का टिक है वो हम यहाँ पर 17 इंच पर लगाएंगे। इस तरह से यहाँ पर भी हम एक पॉइंट रख लेंगे। जैसे कि हमारी फिटिंग कमर की जो फिटिंग है वो है 8 इंच, तो यहाँ पर हम 8 इंच पर इस तरह से टिक लगा लेंगे। और जो हमारी हिप की फिटिंग है वो हम रखेंगे यहाँ पर 10 इंच। इस तरह से यहाँ पर हम एक क्रॉस चिन्ह लगा देंगे और इन टिकों को हम इस तरह से ज्वाइंट कर देंगे। इस तरह से हम इनको ज्वाइंट करके निशान लगा लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये टिक मिला दिया है, अब हम नीचे की साइड को टिक लगाएंगे। इस तरह नीचे की साइड को टिक लगाने के लिए हम यहाँ पर 16 इंच पर एक मार्क करेंगे इस तरह से, और इस टिक को हम इस मार्क से इस तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स, जैसे कि हमने ये टिक लगा दिया है, अब हम एक्स्ट्रा मार्जिन लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन लेने के लिए हम यहाँ पर जैसा कि 2 इंच ज़्यादातर छोड़ते हैं, तो यहाँ पर हम 3 इंच लेंगे, इसलिए क्योंकि हमें यहाँ पर आगे से पलटना होगा, तो हम यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से हम टिक लगाते हुए नीचे की साइड को ले जाएंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है, तो यहाँ पर हम नीचे की ओर जो गुलाई देंगे उसके लिए टिक लगाएंगे। गुलाई देने के लिए हम 3 इंच पर इस तरह से एक टिक लगाएंगे, और इस टिक को इस तरह से हम मिलाते हुए नीचे की साइड लेते हैं। हम ये गुलाई देते हुए यहाँ पर ले आएंगे। अब हम ऊपर की ओर नेक और आर्महोल्स पर गुलाई देंगे। इस पर गुलाई देने के लिए हम आगे जी हमारा आगे का बेस है, तो इस पर हम 1 इंच पर गुलाई देंगे। इस तरह से 1 इंच पर गुलाई दे देंगे, और जो हमारा आगे का नेक है इस पर कॉलर लगेगा, तो इसे हम तिरछा कट करेंगे इस तरह से।
तिरछा कट करने पर हमारा ये 5.5 इंच आ रहा है। देखिए इस तरह से हम इस पर टिक लगा देंगे। हल्की सी गुलाई देते हुए इस पर हम टिक लगा देंगे इस तरह से। जैसा कि हमने ये गुलाई दे दी है, अब इसको हम कट कर लेंगे। पहले इसे नेक को हम इस तरह से कट कर लेंगे, फिर हम इसको इस तरह से आर्म होल्स को कट करते हुए, जो हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन वाला हमने टिक लगाया था, इसको इस तरह से कट करते हुए ले आएंगे और इस तरह से उस गुलाई को भी कट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने ये बिल्कुल कट कर दिया है, अब जो हमारा ये बीच का पार्ट है, जैसा कि हमारे ये आगे खुला हुआ रहेगा, तो इसे हम बिल्कुल इस तरह से कट करते हुए अलग कर देंगे। जैसा कि हमने देखो ये पार्ट अलग अलग कर लिए हैं, अब हम पीछे के पार्ट काटेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पीछे का पार्ट काटने के लिए इस तरह से, जैसा हमने पहले का पार्ट फोल्ड किया था उसी तरह से हमने दूसरा पार्ट भी फोल्ड कर लिया है। इस तरह से इसको फोल्ड करके, और जो हमने आगे का पार्ट काटा था उसका हमने एक भाग इस तरह से लिया है और इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रखेंगे। इसको हम मिलाकर बिल्कुल इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। हम बिल्कुल इसी तरह से इसको मिला लेंगे और इस पर टिक लगा देंगे। इसको हम इस तरह से इस पर मिलाते हुए टिक लगाते हुए ले जाएंगे। फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि हमने ये टिक लगा दिए हैं इस तरह से, इनको हम इस तरह से डार्क कर लेंगे ताकि आपको ये दिखाई दे इस तरह से। इस तरह से हमने जो ये टिक लगाए हैं, और हमने आगे का जो आर्म होल्स काटा था 1 इंच गुलाई दी थी इसमें, तो यहाँ पर हम 1/2 इंच पर इस तरह से टिक लगाकर इसमें 1/2 इंच और गुलाई इस तरह से जोड़ देंगे। और हमें पीछे का नेक कट करना नहीं है क्योंकि इस पर हम कॉलर लगाएंगे, तो इस तरह से हमने जो ये 1/2 इंच ऊपर की ओर जो टिक लगाया था इसको इस तरह से हम कट करते हुए ले जाएंगे। इस तरह से हम कट कर देंगे। फ्रेंड्स, देखिए जैसा कि हमारा ये पीछे का पार्ट भी कट गया है, इसको हमें आगे से काटना नहीं है क्योंकि ये पीछे से हमारा बंद रहेगा और आगे वाला पीस हमने जो आगे से काटा था वो हमारा खुला हुआ रहेगा। अब हम इसकी स्लिप्स काटेंगे। स्लिप्स काटने के लिए हमारा जो ये बचा हुआ कपड़ा है इसको इस तरह से हम फोल्ड करेंगे। पहले इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करने के बाद इसको फिर हम इस तरह से रख कर 4 फोल्ड करेंगे। इस तरह से हम 4 फोल्ड कर लेंगे। फोर फोल्ड करने के बाद इस तरह से हम इसकी लेंथ नापेंगे। हमें इसकी लेंथ रखनी है 16.5 इंच। इस तरह से 16.5 इंच पर हम एक टिक लगाएंगे और नीचे की ओर हम पलटने के लिए इसमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो हम 18 इंच पर दूसरा टिक लगाएंगे। इस टिक को हम इस तरह से मिला देंगे और इसे कट कर लेंगे। जैसे कि हमने ये कट कर दिया है, अब हम इस पर गुलाई का टिक देंगे ऊपर की साइड को। ये हमारा 10.5 इंच है, लेकिन हमें इसका जो रखना है, हमारी 9.5 इंच फिटिंग थी तो हम यहाँ पर 10 इंच रखेंगे। इस तरह से 10 इंच पर एक टिक लगाएंगे। और इस साइड को, जैसे कि हमारा ये खुला हुआ साइड है, तो इस साइड को हम इस तरह से 2.5 इंच पर एक टिक लगाएंगे। इस तरह से 2.5 इंच पर टिक लगाएंगे और बंद साइड से हम इस तरह से गुलाई देते हुए इसी टिक पर मिला देंगे। और जैसे कि हमने गुलाई का टिक दे दिया है, अब नीचे की साइड हम फिटिंग का टिक लगाएंगे। हमारी फिटिंग है 5.5 इंच। इस तरह से 5.5 इंच पर हम टिक लगाएंगे और 2 इंच इस पर एक्स्ट्रा लेंगे। इस तरह से 2 इंच एक्स्ट्रा लिया और इस गुलाई के टिक से इस टिक को इस तरह से हम मिला देंगे। जैसे कि हमने टिक लगा दिया है, अब इस तरह से हम इसको कट कर देंगे। इसे कट करने के बाद हम बिल्कुल इस तरह से पकड़कर और बीच सेंटर पर हम इस तरह से कट लगा देंगे। हमारी जैसे कि स्लिप्स कट चुकी है और हमारा ये सर कट गया है। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। इसकी स्टिचिंग करने के लिए ये, जैसे कि हमने पीछे का पार्ट लिया है, इसको हमने सीधा रखा है और आगे के पार्ट इस तरह से हम आगे के पार्ट लेंगे। सॉरी, ये स्लिप्स हैं।
भूल गए थे। इस तरह से आगे के पार्ट हम लेंगे और इस पे हम उल्टा रखेंगे, इस तरह से सीधी साइड हम इसी तरह से अंदर अंदर की ओर मिलाकर इस तरह से उल्टा रखेंगे। और जो हमने इसके पालमोल्स काटे थे इस तरह से उसको हम स्टिच करेंगे यहाँ पर इस तरह से, और दूसरे पार्ट को भी हम इसी तरह से रखकर और इन्हें इस तरह से स्टिच कर लेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि देखिए हमने ये ज्वाइंट कर दिए हैं। ज्वाइंट करने के बाद जो हमारे आगे के पीस हैं इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे। ये हमारा जो हमें इस पे, अगर आपको इस तरह से नई घर मिल रहा है तो आप इस पर टिक लगा लीजिए। टिक लगाने के लिए हम 1.5 इंच पर इस पे टिक लगाएंगे, इस तरह से 1.5 इंच पर हम टिक लगाते हुए ले आएंगे। फ्रेंड्स जैसे कि हमने ये देखिए टिक लगा लिया है, तो इसी पे हम इस तरह से थोड़ा सा फोल्ड करके और इसी टिक को हम इस तरह से फोल्ड कर देंगे, और फोल्ड करते हुए हम इस पर सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। और दूसरी साइड को भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे, इस तरह से इसको फोल्ड कर लेंगे, दोनों पीसों को हम फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स जैसा कि देखिए हमने ये फोल्ड कर लिया है, अब हम इसकी स्लिप तैयार करेंगे। जैसा कि हमने ये आस्तीन जो कट की थी इसको इस तरह से हम नीचे की साइड इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, और दूसरी आस्तीन को भी हम इसी तरह से फोल्ड कर लेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि हमने ये स्लिप्स तैयार कर लिए हैं, तो इस तरह से हम इसको सीधा रखेंगे, और जो हमने बीच में कट लगाया था ये वाला, इसको हम इस तरह से इसके ऊपर रख के और दोनों तरफ को इस तरह से इसे ज्वाइन कर देंगे, और दूसरी स्लिप्स को भी हम इसी तरह से ज्वाइन करेंगे। जैसा कि हमने ये स्लिप्स देखिए इसमें ज्वाइन कर ली है, और जो हमने ये फिटिंग के टिक लगाए थे उसी पर इस तरह से हम फिटिंग लगाते हुए ले जाएंगे, इस तरह से हम इस पर फिटिंग लगा लेंगे। और नीचे की साइड को ये हम इस तरह से, जो हमने 1 इंच कपड़ा छोड़ा था इस तरह से इसको हम फोल्ड कर लेंगे, इसे हम पूरा पीछे से आगे तक फोल्ड कर देंगे। फ्रेंड्स देखिए जैसा कि हमने फिटिंग लगा ली है और नीचे की साइड को हमने ये फोल्ड कर लिया है, देखिए इसे हमने फोल्ड कर दिया है और फिटिंग भी लग चुकी है। अब हम इसमें कॉलर लगाएंगे। कॉलर लगाने के लिए इस तरह हम इसको डबल फोल्ड करेंगे, दोनों पीसों को इस तरह से मिलाकर इसे डबल फोल्ड करके और इसका नाप लेंगे इस तरह से। जैसे कि हमारा ये 9.5 इंच आ रहा है, तो हम पेस्टिंग रूल लेंगे और उस पर ये कॉलर कट करेंगे। जैसे कि हमने ये पेस्टिंग रोल लिया है, ये मार्केट में आसानी से मिल जाता है, तो इसे हम इस तरह से, जो हमारा वहाँ पर 9.5 इंच था तो 9 × 2 = 18 और 19 इंच का हम ये लेंगे इस तरह से, 19 इंच का इस तरह से लेंगे और इसको कट कर लेंगे। जैसे कि हमने ये कट कर लिया है, इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और साइड से इसमें गोल शेप देंगे, इस तरह से हम इसको इस तरह से गोल शेप दे देंगे और इसको कट कर देंगे। जैसा कि हमने इसमें देखिए ये गुलाई दे दी है, और इस तरफ को हमारा ये चिकना है ये फेस्टिंग रोल, और इस तरफ को हमारा ये कुरकुरा है, और ये जो हमने पट्टी काटी है इस पर ही हम इसको चिपकाएंगे। ये पट्टी हमने इसकी चौड़ाई ली है हमने 4.25 इंच और इसकी लंबाई ली है हमने 21 इंच। अब हम इसको उल्टा करेंगे इस तरह से, और जो हमारे ये चिकना साइड है इसको इस तरह से हम नीचे की ओर रखकर इस तरह से हम इस तरह इधर 1/4 इंच नीचे को छोड़कर और इसे रखकर इसे आयरन कर लेंगे, इससे हमारा चिपक जाएगा। जैसा कि हमने ये चिपका लिया है, देखिए ये हमारा चिपक चुका है, और इस तरह से हम इस कपड़े को बराबर कर लेंगे। बराबर करने के बाद और हम इस पर इस तरह से सिलाई लगाते हुए ले आएंगे, जो हमारे ये साइड से है ऊपर की गुलाई की ओर, तो इस तरह से हम इस पर सिलाई लगाते हुए ले आएंगे और इस साइड को उतार देंगे। फ्रेंड्स जैसा कि देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है, अब इसको हम सीधा कर लेंगे, इस तरह से इसे हम सीधा कर लेंगे। फ्रेंड्स जैसे कि हमने ये सीधा कर लिया है, अब इस पर हम इस तरह से सिलाई लगाते हुए ले आएंगे और बिल्कुल साइड पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से, जिससे हमारा ये ऊपर की जो इस तरह से आ रही है ये दब जाएगी। जैसा कि हमने इस पर सिलाई लगा ली है, अब इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करके और बिल्कुल बीच सेंटर पर हम इस तरह से इस पर कट लगा देंगे।
और जो हमारा सर्ग है उस पर भी हम इसी तरह से कट लगाएंगे। इस तरह से हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और बिल्कुल बीच में हम इस तरह से इस पर कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद इस तरह से हम इसको सीधा रखेंगे और जो हमने इस पर बीच में कट लगाया था उसको भी हम इस तरह से इसे मिलाकर और अंदर की साइड को सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। इस तरह से बराबर सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। हमें बिल्कुल फिस्टिंग रोल के बराबर ही सिलाई लगानी है। फ्रेंड्स देखिए, जैसे कि हमने ये ज्वाइन कर लिया है, अब जो हमारा ये खुला हुआ साइड है उसको इस तरह से हम साइड से इस कपड़े को अंदर करते हुए और ये इस तरह से फोल्ड करते हुए और इस पर सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। ये जो हमारा कपड़ा है इसको भी अंदर की ओर करते हुए इस तरह से सिलाई लगाते हुए ले आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये कॉलर तैयार हो चुका है। देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है। देखिए इसका लुक कितना अच्छा आया है। हमारा जैसे कि ये सर तैयार हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू वॉच फॉर वीडियो।